इसी तरह से बुजुर्गों को ले जाते हैं। अभी तो हमारे साथ में है यहाँ पे दो आदमी जो सारे ले रहे हैं, इनके सारे ले जा रहे हैं। किसी समय नहीं होता तो ऐसे ही जाना पड़ता है। हमारी 108 यही है, ये जो गांव जो है अनुसूचित जाति का अम्बेडकर ग्राम है और यहाँ सब रेवन्यू विलेज है, सब ग्रामवासी जो है अनुसूचित जाति के हैं। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब भी हम लोगों ने बहिष्कार किया था वोट का, और जो है विधायक के कहने पर, विधायक प्रतिनिधि के कहने पर जो है हमने अपने जो है वो जो हमने वोट का बहिष्कार किया था उसको जो है हमने जो है छोड़ दिया और हमने जो है वोट दिया था। किंतु उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद ही जो है आपके यहाँ कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, किंतु आज तक जो है कार्य नहीं हो पाया। और अब हमारी ये सलाह है सब गांव वासियों की कि क्या कहते हैं, हम जो है फिर जो है चुनाव का बहिष्कार करें। अभी जो है ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसका बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद में जो है आने वाले 20-22 का चुनाव जो विधानसभा का होगा उसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हमारे पास यही मात्र चारा यही है, बाकी हम किससे रुदन करें। हमने शासन प्रशासन के को सभी को अवगत करा रहे हैं आज दिन तक, लेकिन कुछ नहीं, हमारी मांग को सारी अनसुनी कर दी जा रही है। यातायात का कोई संपर्क नहीं है, बीमारों रहता तो उसको चार पैदल डाल के ले जाना पड़ता है, रोड हटता है फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए कोरोना ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई बीमार हो जाए तो मतलब कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है, पैदल कम से कम 4-4.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाएंगे भृगुपाल, और नेपराज हम उसमें बहिष्कार करेंगे इसका। हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ रोड से वंचित किया गया है, और हम यहाँ जो भी बुजुर्ग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और जब यहाँ बीमार होते हैं तो सबको यहाँ पे कुर्सी पे लिया जाता है, और यहाँ पे बहुत परेशानी हो रखी है, हमें सड़क से वंचित किया है यहाँ पे, और हम किसी को वोट इसलिए नहीं डाल, हमारे लिए जब तक सड़क नहीं आएगी हम किसी के लिए वोट नहीं डालेंगे। जहरी तली, जहरी मल्ली और बगील गाँव, लेकिन उन्होंने यहाँ ग्राउंड में तक मतलब स्कूल में तक रोड लाए और उसके बाद मतलब जहरी तली में छोड़ दिया, इसके तहत हम मतलब परेशान है। अब यहाँ में 90 से ऊपर एज के बुजुर्ग है, कोई अचानक बीमार हो जाए तो हम लोगों को क्या दिक्कत है, रात को कोई बीमार हो जाए तो कैसे वोट भी कैसे डाले हम, पहले किस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम डाले या ना डाले, जब गांव के मतलब जो हमारे अपने हैं वही भरोसा तोड़ गए तो हम बाहर वालों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। क्षेत्र विधायक को क्या कहे, पहले ये बोलना पड़ेगा कि हाँ भरोसा जीते वो हम लोगों का, कुछ ऐसा करे कि हम लोगों को उन पर ट्रस्ट हो। सर यहाँ अभी तक हमने किसी विधायक को तो देखा नहीं है, वो अभी तक यहाँ आए भी नहीं है, उन्हें वो अभी तक यहाँ आए नहीं है। जहरी तली में एक बार आए और यहाँ का वो करें, निरीक्षण करें कि क्या परेशानी है, यहाँ क्या असुविधा है। इस बहनों ने कहा बात सत्य है जी, उसमें कोई दो राय नहीं। जो इन लोगों ने बात कही, हम कुर्सी हमारी 108 है, हम 2-4 आदमी जो है उनको ले जाने के लिए जब तक सास है तब तक आस है, इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे नहीं। जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करने गई तो सबने यही बताया कि रोड की बड़ी समस्या है यहाँ, और जब किसी की तबीयत खराब होती है तो ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है पहले कि रोड, तो जब मैं यहाँ की वो उम्मीदवार हूँ और जीत जाऊँगी तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं कुछ करूं, और सबसे पहले रोड की वो करूं कि विधायक को जाना पड़े तो विधायक को यहाँ भी जाऊंगी और उनको यही बोलूंगी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, पहले इसी का वो किया जाए और उसके बाद तब जो भी समस्या होगी गांव में जाके सबसे बात करेंगे
क्षेत्र में जाके जो भी समस्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, तो उसका निवारण करने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे।